प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5B.2 का 21वां क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 20 तक कंप्लीट किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। यह है दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एक्स कॉस अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग ए एक्स। तो एफ डेस एक्स का मान ज्ञात करना है हमें, क्या चीज़ निकालना है एफ डेस एक्स का मान। तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन नंबर 21। गिवन करके भी लिख सकते हो या हिंदी में लिखेंगे तो दिया है करके लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टेन, क्या लिख सकते हैं टेन एक्स। और कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉट एक्स, ठीक। और ये है लॉग ए एक्स, लॉग यहाँ पे होगा ए और ये एक्स, ठीक। अब हमको निकालना है एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स मतलब होता है एक बार अवकलन, क्या होता है एक बार अवकलन। तो हम इसका क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ये होगा एफ एक्स का अवकलन होगा एफ डेस एक्स, ठीक। और ये होगा डी बाई डी एक्स, ठीक, टेन एक्स, फिर प्लस इसमें भी लगा दीजिए डी बाई डी एक्स और ये कॉट एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स, ठीक। चलिए हल करिए इसको। टेन एक्स का, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, फार्मूला देखेंगे, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट, कॉट में सी से प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और लॉग ए एक्स का क्या होता है, लॉग ए एक्स का होता है वन बाई एक्स और लॉग ए और ये होता है ई, ठीक। तो तीन लाइन का क्वेश्चन है, छोटा सा है, ठीक, एक दो और ये तीन लाइन, तो यही इसका आंसर है, ठीक। 21 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो 22वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी तथा एफ जीरो इक्वल टू एफ डेस जीरो इक्वल टू थ्री, मतलब एफ जीरो का वैल्यू और एफ डेस जीरो का वैल्यू क्या दिया है हमें, थ्री दिया है। तो एफ डेस वन और एफ वन का मान ज्ञात करो जहाँ ए और बी क्या होंगे, नियतांक हैं। ए और बी क्या है, नियतांक, नियतांक मतलब वो अचर पद हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्यूशन नंबर 22, ठीक। तो हमको फलन दिया है तो इसको लिख लेते हैं दिया है, दिया है एफ एक्स क्या दिया है ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स ये दिए हैं ए एक्स प्लस बी। अब हमको क्या, हम क्या करते हैं इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डिस x और ये होगा d बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस बी, ठीक। यहाँ पे ए एक्स का अवकलन a बाहर आएगा और x का अवकलन होगा वन, तो वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्लस, ठीक, b का अवकलन क्या होगा अचर है तो वो जीरो होगा। तो एफ डिस x का मान मिला हमें a, क्या मिला एफ डिस x का मान मिल गया हमें a। अब हमको क्या दिया है, देखिए एफ जीरो एफ डेस जीरो बराबर में दिया हुआ है हमें थ्री, तो हम एफ जीरो निकालेंगे मतलब एक्स के जगह जीरो, इसे दे देते हैं समीकरण एक और इसे दे देते हैं समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो में, समीकरण एक व दो में एक्स बराबर जीरो रखने पर, जीरो क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें एफ जीरो और एफ डेस जीरो चाहिए, तो हम एक्स के जगह जीरो रखेंगे तो ये होगा एफ जीरो और ये होगा ए गुणा जीरो प्लस बी, अर्थात ए शून्य शून्य तो बचे गए सिर्फ बी, ठीक। तो एफ जीरो बराबर मिला हमें बी, तो ऊपर देखिए एफ जीरो का है तीन के इक्वल है, तो एफ जीरो के बराबर हम यहाँ पे रख सकते हैं तीन, अर्थात बी का वैल्यू होगा थ्री, क्या होगा बी का वैल्यू थ्री। अब हम इसमें रखेंगे एक्स की जगह जीरो समीकरण दो में, तथा ये होगा एफ डेस जीरो, एफ डेस जीरो इक्वल टू ए, ठीक, एफ डेस जीरो इक्वल टू क्या होगा ए, यहाँ पे एक्स नहीं है तो हम एक्स का वैल्यू इसमें हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम देखेंगे क्वेश्चन से एफ डेस जीरो का भी वैल्यू क्या दिया है,
3, तो f डैश 0 की जगह रखेंगे 3, तो ये a इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू भी मिलेगा हमें 3। ठीक, अब हमको निकालना है f डैश 1 और f a का मान हमें ज्ञात करना है। अब चलिए देखेंगे, हम निकालेंगे f डैश 1 और f a का मान और निकालेंगे। तो f डैश 1 अर्थात यहाँ पे हमको x के जगह रखना पड़ेगा 1 और f 1 मतलब x के जगह रखना पड़ेगा हमें 1। तो समीकरण 1 व 2 में पुनः हम क्या करेंगे, पुनः हम x बराबर 1 रखने पर, x बराबर जब हम 1 रखेंगे तभी हमको मिलेगा f 1 और f डैश 1। तो x की जगह चलिए 1 रख दीजिए, तो ये होगा f 1 और ये x की जगह क्या रखेंगे हम 1, तो ये होगा a गुणा 1 प्लस बी। साथ ही साथ a और b का भी मान रखेंगे, तो a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है 3, तो यहाँ पे a की जगह रखेंगे 3 और एक को छोड़ दीजिए, b की जगह रखेंगे 3, तो 3 और 3 कितना होगा 6, तो f 1 का मान मिला हमें 6। ठीक, ये हो गया तथा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में x की जगह रखेंगे 1, तो f डैश 1 इक्वल टू मिलेगा हमें a, और a का वैल्यू क्या निकाले हैं हम 3, तो f डैश 1 इक्वल टू मिलेगा हमें 3। ठीक, तो f डैश 1 और f 1 का मान ज्ञात करिए करके हमको बोला गया है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, और ये इसका सेकंड आंसर होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर का। तो 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एफ एक्स इक्वल टू म्यू एक्स एन हो तो सिद्ध कीजिए कि म्यू एन इक्वल टू एफ डैश 1 और म्यू डैश एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स डॉट एफ डैश एक्स। मतलब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके, ठीक, एक इसको सिद्ध करना है और एक हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो एन है वो क्या है, यहाँ पे इसके साथ गुणा में है। ठीक, और यहाँ पे ये जो एन है म्यू डैश एन, तो ये डैश भी नहीं है और ये सिर्फ यहाँ पे म्यू एन है। ठीक, तो इसको आप सुधार लेंगे, ये होगा म्यू और ये एन। ठीक, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन है, तो यहाँ मिस्टेक है, तो इसे आप क्या करेंगे, सुधार लीजिएगा अपने बुक में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक, जो दिया है उसे लिख लेते हैं, दिया है एफ एक्स इक्वल टू म्यू एक्स एन, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू म्यू एक्स एन। अब देखिए हमको निकालना है एफ डैश 1, एफ डैश 1 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, म्यू एन मिलना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार आकलन करेंगे, तो एक बार आकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स होगा। ठीक, तो इसका आकलन करेंगे तो म्यू बाहर आएगा। ठीक, और ये होगा डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन, और एक्स के पावर एन का आकलन क्या होता है, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक, तो ये किसका वैल्यू मिला हमें, एफ डैश एक्स का वैल्यू मिला। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तब हमें मिलेगा एफ डैश 1। तो एफ डैश 1, इसलिए एफ डैश 1 इक्वल टू हमें मिलेगा म्यू एन, एक्स की जगह रखेंगे हम 1 और ये एन माइनस 1। ठीक, तो ये होगा म्यू एन। अब 1 के घात में आप कोई भी संख्या ले लो, ठीक, 0 को छोड़ के, यदि 0 भी लेते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो एक के ऊपर किसी भी तरह का घात काम नहीं करता, तो इसको हम पूरे पूरे को छोड़ देंगे, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास म्यू एन और ये होगा एफ डैश 1 का वैल्यू। ठीक, तो ये क्या है, सिद्ध हो गया, मतलब पहला, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ सिद्ध हुआ। अब इसको प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यू भी नहीं आएगा, ठीक, म्यू को भी हटा देंगे, सिर्फ ये होगा एन डॉट एफ एक्स इक्वल टू एक्स डॉट एफ डैश एक्स है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक, म्यू को हटा दीजिएगा, म्यू भी नहीं आएगा वहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको समीकरण 1 दे दिए हैं और इसको दे दिए हैं समीकरण 2। तो चलिए देखिए, इसके राइट साइड की तरफ से हम हल करते हैं। तो राइट साइड में क्या है, एफ डैश एक्स है और इनटू में क्या है इसका, एक्स है। तो राइट साइड में एफ डैश एक्स है और इनटू एक्स है। तो समीकरण 2 को देखिए, ये समीकरण 2 है, तो इसमें एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का गुणा करेंगे, तो ये होगा एक्स इनटू एफ डैश एक्स। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में एक्स का गुणा करने पर, ठीक, चलिए एक्स का गुणा कर दीजिए, तो एक्स का गुणा करेंगे
तो ये होगा x डॉट f डिस x, और इसमें x का जब गुणा करेंगे तो होगा x डॉट म्यू n x n माइनस वन होगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा राइट साइड है, हमको ये मिल चुका है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, n डॉट f x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x को इसके साथ हल करेंगे। तो यहाँ पे वन है, तो ये म्यू n को पहले लिख लेते हैं, म्यू n x के पावर n माइनस वन और x के पावर वन, तो वन से वन कटेगा। ठीक, दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो होगा x के पावर में सिर्फ n। अब समीकरण एक से म्यू डॉट एक्स एन, तो म्यू डॉट एक्स एन, समीकरण एक से म्यू डॉट एक्स वन एक्स एन का वैल्यू क्या रखेंगे हम, इसका वैल्यू रखेंगे एफ एक्स। तो समीकरण एक से ये हो जाएगा एक्स डॉट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक, एन सामने आएगा, और म्यू डॉट एक्स एन, म्यू डॉट एक्स एन इसकी जगह रखेंगे हम एफ एक्स। ठीक, और इसी को क्या करना था, हमें प्रूफ करना था एन एफ एक्स और एक्स डॉट एफ डिस एक्स है, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। तो 24 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फिर भी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन, ठीक, तो इस ये तो दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या दिया है हमें, x माइनस वन बाई एक्स। ठीक, और ये स्क्वायर, अब हम इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स माइनस टू ए बी, तो ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। ठीक, तो ये मिलेगा हम एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कटेगा तो ये मिलेगा हमें 2। अब क्या करेंगे हम, वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स टू दी पावर माइनस टू, और ये होगा टू। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, ये माइनस टू सामने आएगा और माइनस टू माइनस वन, और इसका जीरो होगा। ठीक, तो ये होगा टू एक्स माइनस टू एक्स, और ये तो यही होगा इसका आंसर। छोटा सा है ये क्वेश्चन। ठीक, तो 24वां क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेकंड प्रश्नवली कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे के प्रश्नवली को, अर्थात प्रश्नवली 3। तो उसमें आपको किसी भी तरह के सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं सूत्र बताया हूँ उसी सूत्र का उसमें भी प्रयोग होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।